बढ़िया वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज द रॉकनी बाइस फिर से द रॉकनी गेम्स बनने वाला है। और जितने भी लोग कमेंट से बोलते हैं कि रॉनी माइनक्राफ्ट खेलना भूल गया, रॉनी माइनक्राफ्ट नहीं खेलता, टुडे इज द डे। आज मेरा कैमरा बंद हो गया, व्हाट द हेल शिट यार, मेरे को जोर से डेस्क पे हाथ नहीं अपटना चाहिए था। Oh yes, camera वापस आ गया। What's up everybody? Welcome back to other video. अभी सवाल के थोड़ा हाथ भी इतने अपटने का, डायरेक्ट कैमरा बंद हो जाता है। तो आज guys, इस साला फिर से बंद हो गया। मेरा कैमरा मेरे को माइनक्राफ्ट खेलने से क्यों रोक रहा है? तुम लोग को मेरा आवाज आ रहा है? मेरा कैमरा ओके हो गया, कैमरा फिर चालू हो गया। सो ऑलराइट गाइस, आज हम लोग बहुत टाइम के बाद खेलने वाले माइनक्राफ्ट, क्योंकि कल मुझे यूट्यूब पे एक बहुत खतरनाक सा वीडियो देखा। और ये वीडियो है आई बिल्ट एन एक्चुअल वर्किंग प्लेन इन माइनक्राफ्ट। मतलब किसी बंदे ने माइनक्राफ्ट के अंदर एक असली वाला प्लेन बनाया जो प्लेन चलता भी है। अगर तुम लोग इस वाले वीडियो को देखोगे तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, ये क्या चीज है। तो ये वीडियो बनाया कार्व्स ने, शाउट आउट टू कार्व्स। और इस वीडियो में इस बंदे ने लिटरली एक बड़ा सा वर्किंग प्लेन बनाया जिसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर एक क्राफ्टिंग रूम है, इसके अंदर खाना वाला रूम है, इसके अंदर वो विलेजर का ट्रेडिंग हॉल है, सब कुछ इसके अंदर है। और मजे की बात यह है कि ये प्लेन चलता है, ये प्लेन लिटरली चलते हुए हिलते हुए आगे जाता है। आई थिंक यहाँ पर ये प्लेन को चला रहा है, ये देखो ये प्लेन ऐसा लिटरली आगे चलता है। ओ भाई, मतलब लोग माइनक्राफ्ट में रेडस्टोन से क्या क्या बनाते हैं। और तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि मेरे को माइनक्राफ्ट के अंदर रेडस्टोन कितना ज्यादा पसंद है। तो इसलिए गाइस मैंने आज डिसाइड किया है कि हम लोग आज माइनक्राफ्ट के अंदर जाने वाले और हम लोग देखने वाले एकदम खतरनाक खतरनाक से रेडस्टोन मैप जो लोगों ने बनाया कम्युनिटी के अंदर। और बाय द वे मुझे आज की वजह से आइडिया आ रहा है कि हम लोग ना एक नया सीरीज कर सकते हैं। और इस सीरीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि तुम लोग मुझे तुम्हारे माइनक्राफ्ट के बिल्ड्स भेजोगे, रेस्टोर हो सकता है, तुम्हारा घर हो सकता है, तुमने कुछ खतरनाक सा बनाया वो हो सकता है, और मैं उनको वीडियो के अंदर रिव्यू करूंगा। तो अगर तुम चाहते हो कि हम लोग ऐसा कुछ एक वीडियो बनाए तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ। और अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा करना है तो हम लोग ऐसा कुछ जरूर करेंगे। सो ऑलराइट गाइस, आज हम लोग जाने वाले प्लैनेट माइनक्राफ्ट के अंदर, जो कि एक वेबसाइट है जहां पे कम्युनिटी में लोग माइनक्राफ्ट के खतरनाक वाले बिल्ड्स बना के पोस्ट कर सकते हैं। और वहां से हम लोग देखने वाले बेस्ट में से बेस्ट रेडस्टोन के मैप्स। तो सबसे पहला जो मुझे मिला है वो है द टैंक विद टीएनटी कैनन। अब गाइस, अगर तुमने हीरो ब्रदर रेसिपी देखा है और तुमने मेरा चैनल थोड़ा भी 1.5-2 साल पहले देखा है, तुम्हें पता है कि मुझे टीएनटी कैनन कितना ज्यादा पसंद है। और ये एक टैंक है जिसमें टीएनटी कैनन लगा हुआ है। वेट व्हाट, आई मीन इसके सामने वो एक डिस्पेंसर लगाया है, तो मुझे पता नहीं ये कैसे काम करता है, तो मैं इसको डाउनलोड करने वाला हूं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे टैंक वाले मैप के अंदर। और यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी टैंक के अंदर है। व्हाट, मुझे टैंक को पहले बाहर से देखना है। ओ भाई, ये टैंक क्या खतरनाक बनाया हुआ है। ओ भाई, इस टैंक को बहुत ज्यादा डिटेल में बनाया हुआ है। ये देखो टैंक का चक्का, मतलब यहाँ पे टैंक के अंदर चेस्ट है। और मुझे पता नहीं ये चेस्ट वगैरह कुछ एक्चुअली काम करता है कि नहीं करता है, मेरे को लग रहा है कुछ भी एक्चुअली काम नहीं करता है। तो इसमें यहाँ पर एक नोट ब्लॉक है, ये भी काम नहीं करेगा। ऑफ कोर्स ऊपर स्लैब लगा हुआ है, यहाँ पे साइड में ट्रैप वायर लगाया, आई थिंक ये सारे ट्रैप वायर लगाया बस डिजाइन के लिए। और ये रहा वो चीज जिसके अंदर ओके, डिस्पेंसर में कुछ नहीं है, तो मेरे को पता नहीं ये कैसे छोड़ेगा रेडस्टोन। वेट, आई थिंक इसके अंदर कंट्रोल्स है, तो इसके अंदर मैं जाऊँ कैसे? मतलब मैंने टैंक तो बना लिया, अब मैं टैंक के अंदर जाऊंगा कैसे? टैंक के अंदर घुसने का जगह तो होना चाहिए। ऐसा कैसे टैंक बना है रे, इसके अंदर जाने का ही रास्ता नहीं है मेरे को। मतलब मैं टैंक के अंदर जाने के लिए मेरे को क्रिएटिव मोड यूज करना पड़ेगा। अबे टैंक के अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। ओ ये रहा, ओ यस यस है रास्ता है। और टैंक से निकलने का कैसे? गुड क्वेश्चन। ऐसे अच्छा, टैंक के अंदर एक बार आ गया तो नहीं निकलने का, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग टैंक के अंदर से नहीं निकलेंगे। बट अभी हम तो ट्राई करने का है कि ये टैंक टीएनटी मिसाइल कैसे छोड़ता है। सो अपना जब मैप लोड हुआ था अपन इसके तरफ देख रहे थे, तो आई थिंक सो इसको प्रेस करने से टैंक चलेगा। और इसको प्रेस करने से यहाँ पर भाई ये टैंक ऐसा मारता है, मेरा गेम ही लैग हो गया भाई। मेरे को लग रहा था गूसा टैंक होगा, इसके थ्रू भाई ऐसे डिस्पेंसर के थ्रू ऐसा एक एक करके टीएनटी छोड़ेगा। बट व्हाट भाई, इसने कम से कम 2-3 हजार टीएनटी और सैंड छोड़ा एक साथ। अबे कहां तक खड्डा किया इसने? ओ शिट, ओ भाई यहाँ तो बेडरॉक तक घुस गया। अबे साइड में थोड़ा बहुत फटा है, ये क्या है? ओ शिट, ये जा रहा है आगे, कितने आगे तक गया है? गाइस मैं अब तक जा रहा हूँ,
चल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं मैं कितने ब्लॉक्स दूर आया हूँ। ये अब तक जा रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। मेरे को दूर और भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ये ऐसा कौन सा कैनन है, कहाँ तक फोड़ा इसने? अबे यार, I think so, अपन इसके एंड तक पहुंच चुके हैं और ये रहा इसका एंड और ये यहाँ तक आया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ना यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर पहले खड़े होते हैं और अपन अभी कैलकुलेट करेंगे कितने ब्लॉक दूर तक ये टैंक मार सकता है। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, ये है -1697। ओके, -1697 और अभी हम लोग जाने वाले अपने टैंक तक और मेरे को देखना है कि ये टैंक कितना दूर है, कितने ब्लॉक तक मारा है इसने। ओके, सो अगर हम लोग अगला मेजरमेंट टैंक के यहाँ से मतलब जस्ट टैंक के स्टार्टिंग से भी लेना तो ये है 267 ब्लॉक। मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा 1697 प्लस 267 ब्लॉक्स, मतलब इसने लिटरली 2000 ब्लॉक तक मारा है। 1964 व्हिच इज ऑलमोस्ट 2000 ब्लॉक। ओ बाय द वे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या तुमको पता है कि अपना जो ये वाला चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स की बस लिटरली इतना सा करीब है। ज्यादा नहीं चाहिए, बस 5.5 मिलियन के आसपास चाहिए, पर हम लोग इतना सा करीब है। जिसका मतलब ये है कि ये जो डायमंड प्ले बटन है वो लिटरली मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पर उड़ रहा है। तुमको क्या करना है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन उसके पास जाना है, उसको जोर से ऐसे के मार चैनल को सब्सक्राइब करता है और सब्सक्राइब करते ही ये जो प्ले बटन है फट से मेरे हाथ में गिर जाएगा। नाइस। और अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। आज के वीडियो को रखते हैं 50,000 लाइक्स का। अबे किसने बनाया ये वाला टैंक 2000 ब्लॉक दूर तक मार रहा है? मेरे को ना ये टैंक का ना एक्सप्लोजन एक बार देखना है दूर जाके, तो अपने को इसको क्लिक करना है और हमको लिटरली यहाँ से दूर भागना है क्योंकि ये अभी लैग होने वाला है। और आई थिंक ये टैंक को चलाने के लिए ना, ये फायर करने के लिए इसमें कमांड ब्लॉक यूज हो रहा है, जो आई डोंट थिंक सो इज अ गुड आइडिया। मतलब इसको तुम कोई भी सर्वाइवल वाले गेम में ट्राई नहीं कर सकते हो। शिट, ये लैग होना चालू हो गया। तुम इस चीज को सिर्फ यूज कर सकते हो क्रिएटिव मोड में। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, फिर से मारा। Yes, इसमें एक्चुअली कमांड ब्लॉक आउटपुट का यूज हो रहा है, तो कमांड ब्लॉक तुम सर्वाइवल में यूज नहीं कर सकते हो। ये वाला टैंक बहुत अच्छा है, पर अनफॉर्चुनेटली ये वाला टैंक को तुम एसएमबी में नहीं बना सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले माइनक्राफ्ट के मैप की तरफ। अगला हम लोग देखने वाले एक 16-bit कैलकुलेटर, और ये आई थिंक सो किसी ने माइनक्राफ्ट के अंदर एक एक्चुअली वर्किंग कैलकुलेटर बनाया। और भाई ये क्या डिजाइन है, ये क्या है भाई? नहीं, मेरे को इसको डाउनलोड करके देखना है। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग मैप के अंदर आ चुके हैं जहां पे कैलकुलेटर बनाया हुआ है और ये डिस्प्ले है कैलकुलेटर का। और यहाँ पे आई थिंक हम लोग पूरा इनपुट दे सकते हैं कैलकुलेटर का। इधर आई थिंक सो ट्यूटोरियल्स दिया हुआ है। द कैलकुलेटर इज ओनली एक्यूरेट अप टू 131070, मतलब 130,000 तक ये कैलकुलेट कर सकता है और उसके बाद ये थोड़ा सा हक सकता है, ऐसा बोला है। ओके, इसमें पूरा ट्यूटोरियल दिया इसको यूज करने का, पर ट्यूटोरियल देखने से पहले और कैलकुलेटर को यूज करने से पहले मुझे ना पहले ये कैलकुलेटर का रेडस्टोन देखना है। और ओ शिट, व्हाट द हेल, ये क्या चीज है बे भाई, ये क्या चीज है, इसको कैसे बनाया किसी ने? देखो मुझे रेडस्टोन बनाना बहुत पसंद है, बट लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बनाने में फटने वाली है। ये क्या चीज है ये, व्हाट द हेल, कैसे बनाया इतने चीज को भाई, क्या है? और ये बहुत सिंपल चीज है। अच्छा, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स चीज भी नहीं है। यहाँ पे बस लिटरली यहाँ से वहां से रेडस्टोन के वायर जा रहे हैं, यहाँ पे रिपीटर्स लगे हुए और कुछ रेडस्टोन के टॉर्चेस लगे हुए, यहाँ पे कुछ सिग्नल्स को इन्वर्ट वगैरह कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगाया है, वो यहाँ पर है। और अगर तुम इसको देखो, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं किया है, यहाँ पे बेसिकली सिर्फ सिंपल रेडस्टोन यूज किया है, रेडस्टोन का टारगेट ब्लॉक्स यूज किया है, बस उतना करके पूरा चीज को बनाया। शिट यार, जिसने भी ये बनाया भाई सल्यूट है, भाई सल्यूट, ये बहुत खतरनाक, जिसने भी बनाया भाई बहुत बड़ा सल्यूट है, ये बहुत ज्यादा ओपी चीज है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग आ जाते हैं जहां से हमें कैलकुलेटर यूज करना है और पहले चल के देख लेते हैं इसको यूज कैसे करना है। ओके, हाउ टू यूज। नंबर 1, टर्न द कैलकुलेटर ऑन, मेक श्योर द कैलकुलेटर रजिस्टर्स आर क्लियर बाय हिटिंग द रीसेट बटन। ओके, ऑलराइट, तो सबसे पहले आके हमें कैलकुलेटर को ऑन करना है। और ये ऑन कहां से होता है, यहां पे तो लिखा है डिलीट कैरेक्टर्स, और कैलकुलेटर ऑन कैसे करते हैं? ओ ये रहा ऑन। ओके, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेटर को ऑन करना है। और ये भाई, ये एक्चुअली एक कैलकुलेटर है, मतलब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मतलब आई थिंक अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ओहो यहाँ पे
एक्चुअली सबट्रैक्ट आ गया। बट नहीं, एक सेकंड रुको, अपन ने ऑन कर लिया और हमने इसको रीसेट कर लिया। आई थिंक यहाँ से हम लोग इसको रीसेट कर सकते हैं। ये पूरा कैलकुलेटर रीसेट हो चुका है, यहाँ पे 000 है तो कैलकुलेटर चल रहा है। अभी आपको क्या कर देगा, आपको क्या करना है, फ्लिप द इनपुट लीवर सो दैट द टॉप लैंप इज ऑन। ओके, ये रहा इनपुट लीवर। ओके, तो ये रहा बॉटम इनपुट, ये रहा टॉप इनपुट। ओके, तो हमको नीचे वाले इनपुट में डालना है जो नीचे आएगा और ऊपर डालना है जो ऊपर आएगा। ओके, आई थिंक ये बहुत ज्यादा सिंपल है, एक्सप्लेनेटरी है। इफ यू वांट टू सबट्रैक्ट समथिंग देन क्लिक ऑन द सबट्रैक्ट बटन और इनपुट योर नंबर स्टार्टिंग विद द वन डिजिट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू इनपुट 256 द सीक्वेंस वुड बी 652। एक सेकेंड, ये क्या है, मैंने इनपुटिंग नंबर्स, वेट अंटिल आफ्टर द नंबर इज डिस्प्लेड, पुट नेक्स्ट नंबर। ओके ओके, आई थिंक अपने को इसमें उल्टा लिखना है। तो यहाँ पे 256 के लिए 652 यूज किया। ओके, तो सबसे पहले इस कैलकुलेटर के अंदर हम लोग सिंपल वाले चीजें करेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा नंबर पैड दिया हुआ, ये सारे नंबर है। तो हम सबसे पहले सिंपल ट्राई करेंगे, हम डालेंगे यहाँ पर 1। घूम के जाना पड़ेगा 1 आने के लिए, और ये जा रहा है, चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। सिग्नल जा रहा है तो मेरे को लग रहा है ये काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या? साला मेरे को पता भी नहीं मुझे कहाँ पे देखना है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें। आई थिंक सो, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई थिंक ये सारे कंट्रोल से, आई थिंक इनके थ्रू कंट्रोल जाते हैं। तो मैं एक बार इसको ऑफ करके ऑन करूँ तो आई थिंक ये ठीक हो जाना चाहिए। ओके, हमने इसको ऑफ करके ऑन किया, हम इसको रीसेट कर लेंगे एक बार और हम इसको एक बार यहाँ पर जाके अब ट्राई करते 5 डालने का। तो यहाँ पर से, ओ यस, 5 चल रहा है, 5 चल रहा है, 1 नहीं चला बट 5 चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे सिंपल चीज करेंगे, अभी हमने टॉप में डाल दिया 5, अभी हमको स्विच करना है इनपुट टू बॉटम। अभी हम बॉटम में डालेंगे 5, तो ऊपर भी 5 आ गया, नीचे भी 5 आ जाना चाहिए, ये 5 नीचे भी आ गया। तो अभी हमें बस इसको कैलकुलेट करना है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था बट अपने को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमको इसको प्लस करना है। तो अगर सब्ट्रैक्ट को बंद कर दूंगा तो ये प्लस बन चुका है यहाँ पर। अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे 10 आना चाहिए। अगर 10 आया तो ये खतरनाक काम कर रहा है, अगर नहीं आया तो ये काम नहीं करता है। क्या यहाँ पे 10 आएगा, क्या यहाँ पे 10 आएगा? आई थिंक ये कैलकुलेट कर रहा है अभी तक। ओके, आई डोंट नो, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये काम नहीं कर रहा है। ओके, एक काम करते हैं, इसको रीसेट करते हैं। रीसेट करने पे ये 00 हो गया। ठीक है। तो फिर से ट्राई करते हैं, इसको डालते हैं 5 और यहाँ पर 5 आ गया नीचे। ओके, ऊपर डाल देंगे 5 और ऊपर भी 5 आ गया। ओके, अब करते हैं इसको कैलकुलेट, तो क्या ये 5 + 5 = 10 दिखाएगा? ये वर्ल्ड को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में कुछ ना कुछ तो हगा है। तो अगर मैं इधर नंबर बढ़ा दूं ऐसा, अब मैंने 3 पे क्लिक किया तो ये 3 5 होना चाहिए और इधर मैंने 9 डाल दिया तो ये 9 3 5 आना चाहिए और नीचे हम लोग पता नहीं और ऐसे आड़े तेरे 2-3 नंबर डाल देंगे, देखते क्या आता है नीचे। मतलब बराबर हो गया 7 7 9 35 + 75, क्या ये काम करेगा? प्लस पे क्लिक है और कैलकुलेट, काम कर जा, बेइज्जती करा रहा है कैलकुलेटर ये। मेरे को सच में लग रहा है कुछ तो हगा है, मेरे को लग रहा है मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। ओए ओ, वेट, आंसर आ रहा है, अबे ये टाइप कर रहा है आंसर। व्हाट भाई, कितना होता है 935 + 75? मेरे को भी नहीं पता कितना होता है, मैंने आड़े तेरे नंबर डाल दिए। 935 + 75 होता है 1010। एक सेकेंड, 935 + 75 सही है ना, 935 + 75 होता है 1010 और इसने बोला 1280। कैलकुलेटर आगा गाइस, कैलकुलेटर आगा, कैलकुलेटर ने गलत आंसर दिया।
साला इतना मेहनत करके चला, उसके बाद हक भी दिया। अगर भी ये कैलकुलेटर गलत आंसर दे रहा है, ये कैलकुलेटर जिस तरह से काम कर रहा है यार, ये बहुत ज्यादा ओपी है भाई। ये कैलकुलेटर मेरे को बहुत पसंद आया। तो अब पढ़ते हैं अपने अगले रेस्टोरेंट मैप की तरफ। ओके, सो अगला मुझे मिला है एक नोट ब्लॉक प्लेयर पियानो, और ये किसी ने माइनक्राफ्ट के अंदर पूरा पियानो, भाई ये क्या रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे किसी ने माइनक्राफ्ट के अंदर एक पूरा पियानो बनाया, तो ये अपने को डाउनलोड करके ट्राई करना है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं, और ये किसी ने एक पियानो बनाया, जो भाई पियानो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया। और इसको बजाते कैसे, मेरे को लगा हम लोग पियानो के ऊपर ऐसे कूद कूद के बजा सकते हैं, टॉम एंड जेरी ऐसे ऐसे कूद कूद के जाएंगे तो तुड़ुंग 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 कुछ ना कुछ बजता रहेगा, बट ये आई डोंट थिंक सो ऐसे बजता है। और यहाँ पर ये कुछ चीजें लगी हुई है नीचे भाई, स्टिकी ब्लॉक्स है। ओके, तो आई थिंक स्टिकी ब्लॉक्स इन पियानो को नीचे नीचे खींचेगा और कुछ ना कुछ तो गाना बजाएगा। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये मेरे को नहीं पता कैसे पढ़ता है, ये कुछ तो है जो म्यूजिशियन लोगों को पढ़ने आता है, उन लोग पढ़ के बजाते हैं, मेरे को नहीं आता पढ़ने को। बट पीछे ये रेडस्टोन क्या है, ये पूरा ऑब्जर्वर का दीवार लगा हुआ कितना ऊपर तक। व्हाट, ओ भाई ये क्या है, भाई ये इतना रेडस्टोन क्या लगाया हुआ है, ये तो पूरा ऐसा ऑब्जर्वर्स का लाइन है, ये कहां तक जा रहा है, ये ऑब्जर्वर्स ऊपर कहां आसमान तक जा रहे हैं क्या ये ऑब्जर्वर्स। ओ शिट, मैं लिटरली कब से ऊपर जा रहा हूँ अब तक यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे बीच बीच में और एक ऑब्जर्वर्स लगा जिसको ट्रैप डोर के साथ इस पे पीछे, ओ एक सेकेंड, यहाँ पे पूरा म्यूजिक का इतना बड़ा बना रखा है, अभी कितना ऊंचा है, मेरे को स्पेक्टेटर पे जाना पड़ेगा ऊपर। भाई ये कितना ऊंचा बना है, यहाँ से मेरे को नीचे का पियानो तक नहीं दिख रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग जल्दी चलते हैं पियानो की तरफ और देखते हैं कि इस पियानो को कैसे बजाते हैं, कैसे काम करता है। तो कुछ तो मतलब खास किया है, कुछ तो मतलब मेहनत किया है इसमें, अच्छा खासा मेहनत किया। आप देखते हैं इसको बजाते कैसे। तो आई थिंक नीचे यहाँ पे तीन लीवर्स दिया हुआ है, इनको खींचने में क्या होगा। क्या ये बज रहा है, नहीं क्या, मैंने आई थिंक मैंने साउंड बंद रखा है। इस पियानो को बजाते कैसे, यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ था, राइट क्लिक टू प्ले रेवरी क्लॉड डेबुसी। ओके, कोई तो गाना होगा, तो इस पर राइट क्लिक करना है। 3, 2, 1 गो। ओ ओ शिट, भाई लोग माइनक्राफ्ट के अंदर क्या क्या करते हैं। जस्ट इमेजिन करो माइनक्राफ्ट के अंदर क्या क्या पॉसिबल है, लिटरली पूरा गाना बज रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर। ओ भाई मेरे को पीछे का वर्किंग देखना है, भाई पीछे मेरे को लग रहा है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। ओहो, ओ भाई सिग्नल कहां से सिग्नल्स आ रहा है। ओके, तो इसने रेडस्टोन के ट्रैक्स को यूज किया है सिग्नल छोड़ने के लिए, और वो सिग्नल आके इस पे छोड़ रहा है। शिट बे, व्हाट द हेल, लिटरली पूरा पियानो बज रहा है खुद से, और वो भी सिर्फ रेडस्टोन से। यार ये नॉच ने क्या बना दिया गेम, अबे कितना बड़ा पूरा गाना बजेगा क्या इसमें भी। ओके, सच्ची बताऊं तो मेरे को पता नहीं ये कौन सा वाला गाना है, ये कुछ तो फेमस गाना जरूर होगा, और ये पूरा गाना बजा इसने। अबे यार माइनक्राफ्ट में क्या कर सकते हैं बे, ये क्या चीज है। हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट से क्या बनाते हैं, हम लोग गू जैसा फार्म बनाते हैं, हम दरवाजा खोलते हैं रेस्टोरेंट से, और यहाँ पे लोग रेस्टोरेंट से पियानो बना रहे, कैलकुलेटर बना रहे गेम के अंदर। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट मैप की तरफ बढ़ते हैं। ओ बाय द वे, वीडियो बनाते हुए मम्मी ने मेरे को बुलाया बाहर का कबर्ड साफ करने के लिए, कबर्ड को साफ करते करते मेरे को मिला ये वाला टोपी, जॉन सीना का ऑफिशियल टोपी है। ये मेरे को WWE ने बहुत टाइम पहले भेजा था, मेरे को आज मिला, और भाई मैं आज ये टोपी पहन के माइनक्राफ्ट खेलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये टोपी पहन के याद आया कि मेरे को जॉन सीना ट्विटर पे फॉलो करता है। एक सेकेंड, क्या जॉन सीना मेरे को अब तक ट्विटर पे फॉलो करता है, साला ट्विटर का नाम क्या कर दिया, एक्स। अगर तुम आज के दिन में गलती से ट्विटर पे वीडियोस देख रहे हो, कोई तुमको पूछे तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको बोल सकते हो मैं एक्स पे वीडियोस देख रहा हूँ, और ये चीज तुम अपने फैमिली के सामने नहीं बोल सकते, वरना उड़ता उड़ता फ्लाइंग चप्पल आएगा, प्लीज ट्राई मत करना। और यस, जॉन सीना मेरे को अभी तक फॉलो करते हैं ट्विटर पे, वेरी नाइस, जॉन सीना मदर फादर, वेरी गुड मैनर्स। ऑलराइट गाइस, तो अगला हम लोग जो माइनक्राफ्ट के अंदर रेस्टोरेंट ट्राई करने वाले हैं वो है MK2 हेवी स्कैटर शॉट टरेट विद एडजस्टेबल आर्क फॉर मूवर क्राफ्ट।
ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। मतलब इससे शायद सब लोग एडजस्ट करके टीएनटी मार सकते हैं। What the hell? और ये आई थिंक सो एक एयरक्राफ्ट क्रूजर है। और मुझे एक और चीज मिला जो कि है MK2 हैवी एयरशिप क्रूजर फॉर मूवर क्राफ्ट। वेट अ सेकंड, ये मूवर क्राफ्ट क्या है? अबे शिट, ये चीज देख के मेरे को मेरे हीरो प्राइन SMP का TNT डिस्ट्रॉयर याद आ रहा है। शिट यार, क्या खतरनाक सा TNT डिस्ट्रॉयर बनाया था, कहां से उसने टावर फोड़ा था। सो ऑलराइट गाइस, मेरे को ये वाला ट्राई करना है, तो जल्दी से इसके स्कीमेटिक्स में डाउनलोड कर लेता हूं और फिर इसको हम लोग वर्ल्ड के अंदर इंपोर्ट करेंगे। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग अभी एक माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और यहां पे हम लोग लोड करने वाले हमारे ये दो स्कीमेटिक्स। तो जल्दी करते हैं स्कीमेटिक लिस्ट, इनका नाम क्या है वो देख ले। ओके, तो सबसे पहले अपने पास है एडजस्टेबल लॉन्ग रेंज 2 और माइक 3। तो सबसे पहले हम लोड करने वाले एडजस्टेबल लॉन्ग रेंज 2, तो अपन करते हैं स्कीमेटिक लोड और इसको हम नाम देना पड़ेगा एडजस्टेबल लॉन्ग रेंज 2। इसको लोड कैसे करते हैं? अब मैं भूल गया स्कीमेटिक लोड कैसे करते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। बड़ा डूबड़ा बन गया माइनक्राफ्ट में मैं। ओह शिट, मैंने एडजस्टेबल का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा। एडजस्टेबल क्या होता है? एडजस्टेबल। ओके, तो अपन इसको लोड कर लिया। अभी अपन इसको पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाके पेस्ट करते हैं, इसको आसमान में होना है, तो अभी हम लोग पेस्ट कर लेंगे इसको यहाँ पर। और ये यहाँ पर लोड हो चुका है अपना एडजस्टेबल TNT कैनन। ओके, मेरे को नहीं पता काम कैसे करता है, पर इसको देख के जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से TNT नीचे गिरेगा, इसके अंदर बहुत सारा TNT। यस, यहाँ से TNT नीचे गिरेगा और पीछे से भी आई थिंक TNT बाहर आएंगे और ये TNT फटेगा, जिससे ये TNT को आगे उड़ाएगा और ये TNT भाई आगे बहुत दूर तक जाने वाला है। तो यार, इसका जो बेसिक रेस्टोर मैकेनिक्स है वो बिल्कुल हमारे हीरो ब्रायन SMP के TNT डिस्ट्रॉयर की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। बट इसको चल के चालू करते हैं। मुझे पता नहीं ये दो बटन क्या करता है, तो अगर मैं ये बटन को दबाऊं तो यहाँ पे TNT जलना चालू हो गया है। सामने के TNT आ गए और TNT उड़ा दिए और ये TNT ओके, ज्यादा दूर तो नहीं गया बट ठीक है, डिसेंट, अच्छा खासा दूर गया। बट साला इतने से के लिए इतना बड़ा रेडस्टोन बना दिया, मेरे को लगा था कुछ और एकदम ओपी सा बनाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी इसमें एडजस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैंने अभी ये बटन दबाया था, अभी इसको बनाकर ट्राई करते हैं। तो इसको दबाने से TNT निकला और ओके, तो यहाँ पर दो अलग अलग बटन है, एक बटन से TNT इधर आता है, एक से यहाँ तक जाता है भाई। ओके, इसमें है, इसमें एडजस्टेबल चीजें है। ओके, इसमें तो रेंज चेंज कर सकते हैं, जो हमारा TNT डिस्ट्रॉयर था उसमें रेंज वेज कुछ चेंज नहीं कर सकते। TNT मारेगा बस, टावर फोड़ेगा बस, इतना ही था। इसमें TNT मार के तुम एक्चुअली रेंज वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ओके गाइस, ये वाला TNT डिस्ट्रॉयर बस इतना ही। अभी चल के अपन लोड करते एक और TNT डिस्ट्रॉयर। ऑलराइट, तो अपन अगला स्कीमेटिक लोड करेंगे जो की है माइक 3 और ये लोड हो चुका है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा दूर आके यहाँ पर करेंगे इसको पेस्ट और व्हाट द हेल। अबे ये लिटरली इतना बड़ा सा शिप है, क्या यहाँ पे शिप का एंट्री कैसे है? नहीं है। और यहाँ पे हर जगह फायर चार्ज लगा हुआ है। व्हाट, क्या यहाँ पर भी फायर चार्ज है? अगर तुम्हारे SMP के अंदर वॉर हो रहा है तो भाई तुमको ये चीज चाहिए। ओ वेट एक सेकेंड, ये चीज पीछे TNT छोड़ सकता है यहाँ पे दो। भाई ओ भाई, ये देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ओके, रुको, तो हमने अभी जो ये चीज देखा यहाँ पर, ये इधर दो लगे हुए जो पीछे फायर कर सकता है, यहाँ पे दो लगे हुए जो आगे फायर कर सकता है, और आई थिंक इसके चारों तरफ हर जगह डिस्पेंसर लगा हुआ है जिसके अंदर फायर चार्ज भरा हुआ है, तो ये हर साइड फायर चार्ज छोड़ सकता है और पीछे भी फायर चार्ज है। अबे यार, ये तो कुछ ज्यादा ओपी है। और इसका एंट्रेंस आई थिंक यहाँ से है, तो अपन अंदर आ गए। ओके भाई, इसके अंदर यहाँ पे पूरा तुमको स्पेसशिप का टूर मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गनरी ब्रिज, इससे हम लोग ऊपर आके आई थिंक यहाँ से हम लोग गोली मिली चला सकते हैं। पूरा फायरिंग का सब कुछ मैकेनिक्स ऊपर दिया हुआ है। और यहाँ से अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल कॉरिडोर में। अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक लीवर है जिसको खींचने से क्या होगा, इमरजेंसी AS कंट्रोल। ओके, भाई मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे अगर माइनक्राफ्ट के SMP के अंदर वॉर बीर चल रहा है तो यार ये बना लो, ये क्या खतरनाक चीज है। मतलब इसके अंदर यहाँ पर अगर तुम जाओगे आई थिंक दोनों जगह ओके, तो
अगर तुम्हारे पास साइड साइड से कोई तुमको हमला करने आ रहा है, तुम्हें सिर्फ इसको दबाना है और ये साइड चालू हो जाएगा, इसको दबाना है और ये साइड चालू हो जाएगा। शिट भाई, इसके आसपास भी कोई नहीं पहुंचने वाला, ये इतने ज्यादा फायर चार्ज मार रहा है, इसके आसपास भी कोई नहीं आने वाला। ओके, तो यहाँ से नीचे जाने के बाद यहाँ पर है सप्लाई स्टोरेज, तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे, तो इसके अंदर हम लोग सप्लाई रख सकते हैं। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पर इसके अंदर TNT रख सकते हैं, फायर चार्ज रख सकते हैं, आई थिंक सो। इसके लिए इसको दिया है सप्लाई स्टोरेज करके। और दूसरे तरफ जाएंगे तो यहाँ पर है एम्युनिशन स्टोरेज। ओके, इसमें हमें रखना है हमारे सारे TNT और फायर चार्ज। और इस साइड वाले में आई थिंक हम लोग कुछ नॉर्मल से सप्लाई रख सकते हैं, यहाँ पर एक एनविल भी दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे स्वॉर्ड वॉर्ड रख सकते हैं सामने आके लड़ने के लिए। भाई ये चीज पूरा एक बैटल शिप नहीं है, ये पूरा एक बैटल स्टेशन है, मतलब तुम्हें बस इस चीज की जरूरत है एक वॉर में, और भाई ये चीज लोगों की बैंड बजा देगा। और अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक कैप्टन क्वार्टर, क्रू कॉरिडोर, डाइनिंग हॉल, नेविगेशन ब्रिज, और इस तरफ है हैंगर बे, इंजन रूम, आफ्ट ब्रिज और कार्गो रैप। ओके, पहले हम लोग चलेंगे इस तरफ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो बिस्तर रखे हुए, एक क्राफ्टिंग टेबल है और एक चेस्ट भी दिया हुआ है, वेरी नाइस। ओके, आई थिंक सो ये पूरा क्रू कॉरिडोर है, यहाँ पे सारे शिप के क्रू रह सकते हैं, मतलब अगर तुम्हारा वॉर चल रहा है तो तुम्हारे वॉर में जितने भी लोग तुम्हारे टीम में है वो सारे बंदे यहाँ पे रह सकते हैं, और यहाँ पे लिटरली 3-3 लोग का बेड है, तो आई थिंक इसमें बहुत सारे लोग रह सकते हैं। और इससे आगे अगर जाएंगे तो यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे तुम बैठ के खाना खा सकते हो, और आई थिंक पानी पी सकते हो, तो बैठ तो सकते नहीं, बट यहाँ पे तुम लोग आके चिल मार सकते हो, टाइम पास कर सकते हो। और अगर आगे जाएंगे तो ये रहा फायर पार्टीशन, कीप इट क्लोज। ओके, मतलब अगर शिप के अंदर आग लगता है कहीं भी सामने से, ओके, तो इसको हम लोग बंद कर सकते हैं। और ये है रिमोट साइन टरेट 2 टरेट 1, पर बटन देखी है, तो ये बटन दबाने से ओ शिट, ओके, मैं कुछ तो हक दिया, आई थिंक उसको दो बार नहीं दबाने का था। कोटिया, ये पार्ट वीडियो से कट कर देगा। ऑलराइट गाइस, तो हमने जो हगा था उसको हमने फिक्स कर लिया अभी, और यहाँ पर है रिमोट टरेट, तो अगर इसको दबाएंगे तो हमारे यहाँ पे ऊपर एक टरेट लगा हुआ है जो सीधा सामने फायर करेगा, और मुझे पता नहीं है कौन सा वाला टरेट फायर कर रहा है, इसके अंदर इतने सारे टरेट है मुझे पता भी नहीं कौन सा वाला फायर कर रहा है। और ओके, आई थिंक ये टरेट ही हग देता है, तो हमें इन टरेट्स को यूज नहीं करना है। ओके, और यहाँ पर है एसेंट ऑफ AA डायरेक्टर, कैनन डायरेक्टर, डिसेंट ऑफ, ये क्या करता है? ओ ओ ओ शिट, सामने से अगर कोई आ रहा है तो उसकी बैंड बच जाएगी यहाँ पे आके। ऑलराइट, हम लोग यहाँ से पीछे जा रहे हैं, भाई ये बहुत खतरनाक है, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। ओके, तो इस तरफ क्या है, इस तरफ है हैंगर बे, इंजन रूम, आफ्ट ब्रिज और कार्गो रैप। ओके, यहाँ पर क्या है, फायर पार्टीशन, इसको एक और फायर पार्टीशन है, और इस तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे खड्डे हैं, तो थोड़ा संभाल के जाने का है। बट यार ये शिप में एक ही प्रॉब्लम है यार, ये शिप आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब माइनक्राफ्ट के अंदर अगर थोड़ा सा पिस्टल्स को सही कर देना, कि पिस्टल्स अगर ज्यादा जिसको पुश कर सके, तो माइनक्राफ्ट के अंदर लोग लिटरली चलता फिरता शिप बहुत इजीली बना सकता, लोग अभी बनाते हैं, पर उसको बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक पिस्टल आई थिंक 18 ब्लॉक पुश करता है, तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट है यूज करना। और यहाँ पर क्या है, सब क्राफ्ट रोटेट एलिवेटर, ओके ये पता नहीं क्या है, और यहाँ पे कुछ चेस्ट दिया, ऐसे ब्लॉक ऑफ कोल रखा हुआ है, और ओके आई थिंक सो ये ओ यहाँ पर एक और है, तो यहाँ से हम लोग और फायरिंग कर सकते हैं। ओके, ये दूसरे टरेट का है, और टरेट नहीं चलाएंगे क्योंकि मेरे को लगा सारे टरेट गुए, तो टरेट चलाते हक देगा। ऑलराइट, वापस चलते हैं यहाँ से आगे। ओके, तो हम लोग नीचे का साइड देख लिया, नीचे का साइड बस इतना ही है, अभी चल के देखते हैं ऊपर क्या है। आई थिंक ऊपर इस पे बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, तो ऊपर जैसे आ गए भाई, ये लिटरली ये पूरे शिप का कंट्रोल एरिया है, यहाँ से हम लोग पूरे शिप को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है टरेट 1 टरेट 2 टरेट 3 टरेट 4, सारे टरेट्स को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, कैनन डायरेक्टर, AA डायरेक्टर। ओके ओके, तो उसने जो यहाँ पे हमने जो ट्राई किया था वो पूरा चीज इसके ऊपर लगा हुआ है। एक सेकेंड, ओके, तो इसमें बस्ट और ऑटो का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब अगर यहां से मुझे फायर चार्ज को बस्ट पे मारना है तो मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये बस फायर करेगा, मतलब ये बस थोड़े से फायर करेगा। शिट बे, अगर वॉर चल रहा है तुम पे लोग आ रहे हैं तो यार इसको बस पे रखो, सामने से तुमको लोग आता दिख रहा है बस ये छोड़ दो ऐसे, और अगर तुमको दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब एक दो नहीं बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसको कर दो ऑटो मोड पे और ये कंटिन्यूअस फायर करते रहेगा, ये कंटिन्यूअस फायर करता रहेगा। और ये भाई
शिट भाई ये कुछ ज्यादा ही ओपी है। ऑलराइट पीछे यहाँ पर एक और बटन है, मेरे को पता नहीं ये बटन क्या करता है। ये है आफ्टर एट, जिसको हम लोग ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। हमने ऑन कर दिया, मेरे को पता नहीं ये क्या करेगा। आई होप सो ये कुछ ना चलाए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर आते हैं। ये क्या है, ये बटन क्या है? आई थिंक ये भी बस ही है। अभी फिलहाल बस में मारेगा या तो ऑटो भी कर सकते हैं। ओके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बटन है। तो आई थिंक ये बटन को दबाने से सामने के सारे मिसाइल्स फायर करेंगे। तो ये हमने प्रेस कर दिया और यस सामने के सारे मिसाइल से फायर कर रहा है। ओ भाई इसने फायर कर दिया। और एक सेकेंड, हमने ये आफ्ट टरेट्स को बंद रखा है। बाय द वे आफ्ट का मतलब शिप में पिछवाड़ा होता है। तो हमने अगर आफ्ट को ऑन कर ले और अभी अगर हम लोग इसको फायर करें तो आई थिंक आगे से पीछे से हर जगह से फायर करेगा। भाई ये बहुत ज्यादा ओपी है, मुझे इसको क्लिक करके मुझे जल्दी बाहर जाकर देखना है। ओ शिट ये कहां तक फायर कर रहा है, मुझे जाके देखना है गाइस इसने कहां तक फायर किया। मेरे को जाकर देखना है इसने कितना दूर तक फायर किया। मेरे को अभी तक टीएनटी कहां गिरा है वो नहीं दिख रहा है। और ओ शिट टीएनटी अब तक जा रहा है। ओ नहीं शिट, ये तो आई थिंक फायर चार्ज है, टीएनटी अब तक नहीं जा रहा है। ओके मैं भूल भी गया मैं किस डायरेक्शन में जा रहा था, क्या टीएनटी मेरे को इधर दिखेगा। आई थिंक थोड़ा रेंडर डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं तो आई थिंक टीएनटी दिख जाएगा। और मेरा टीएनटी किधर गया, मेरे को लग रहा है टीएनटी सीधा मैप के बाहर चला गया, माइनक्राफ्ट के बाहर कहीं जाके पड़ गया। मैं अभी टीएनटी को चलाने वाला हूं और मैं लिटरली इन टीएनटी को फॉलो करने वाला हूं। मर, छोड़, भागो टीएनटी के पीछे भागो। साला गायब ही हो गया टीएनटी इतनी जल्दी। किधर गया टीएनटी, ये क्या है, ये तो बस आ गया। टीएनटी किधर गया, अबे ऐसा कौन सा टीएनटी मार रहा जो दिखाई नहीं कभी। ओ ये जा रहा है, आई थिंक ये टीएनटी है, कुछ तो जा रहा है। जो भी जा रहा है पीछा करूंगा मैं, कहां तक जा रहा है, चल जाता रहे। भाई गया किधर टीएनटी, आई थिंक सो कि मेरा जो सिमुलेशन डिस्टेंस है ये टीएनटी उसके भी बाहर जा रहा है। अबे यार आई थिंक मेरे को येड़ा बना रहे, टीएनटी किधर गया मेरे को वो नहीं दिख रहा है। पर टीएनटी कहीं तो जा रहा है, मतलब कहीं तो दूर हजारों ब्लॉक दूर कहीं तो जाके टीएनटी गिर रहा है। कहां जा रहा है मेरे को नहीं पता, बट कहीं तो टीएनटी जा रहा है। ऑलराइट गाइस, मेरे को ऑनेस्टली नहीं लगता है कि मुझे टीएनटी कहां जा रहा है वो मिलने वाला है। बट ये बस टीएनटी का फायरिंग देखो, ये कितना कूल है और ये दोनों साइड से फायर कर रहा है। अगर मैं किसी के साथ लफड़ा कर रहा हूं, मैं किसी के साथ वॉर कर रहा हूं और वो बंदा लिटरली मेरे सामने ये लेकर आ जाए जो ऐसे ऐसे फायरिंग करेगा और ऐसे टीएनटी मारेगा, अगर ऐसा एक शिप आ जाए जो दोनों साइड से फायर चार्ज छोड़ रहा है, ऊपर से टीएनटी छोड़ रहा है, मेरी फटने वाली है गाइस। मैं उससे लफड़ा नहीं करेगा, ठीक है। मैं चुपचाप जाएगा उसके पास, मैं बोलेगा सॉरी भाई मेरे से गलती हो गया, मेरी जबान फिसल गई, मुझे माफ कर दो, मेरे से भूल हो गई, मेरी जुबान फिसल गई, मैं जाके सॉरी मेरी बोल के उसको आ जाएगा। और ये क्या हो गया, और होपफुली जो बंदा मेरे साथ लफड़ा कर रहा है उसका शिप पैसा फट जाए। तो मेरे को पता नहीं शिप क्यों फटा, मतलब मैंने ये टीएनटी कैनन्स नहीं बनाया तो मुझे नहीं पता ये क्यों फट रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो लफड़ा है और आई थिंक मैंने कुछ गलत बटन कहीं तो दबा दिया। बट एनीवे गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम सभी को अच्छी वीडियो देखकर मजा आएगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नहीं सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो के लिए। बाय बाय।